और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएफआई पर सरकार के एक्शन के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का जो रिएक्शन है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर बैन का स्वागत है, ये बेहद सराहनीय काम है, मोदी युग का भारत निर्णायक साहसिक काम, ये बात बोली गई है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से। उन्होंने पीएफआई पर जो 5 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर जो है कहा है कि ये बैन का स्वागत वो कर रहे हैं और ये बहुत ही साहसिक काम है। आपको बता दें पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद लगातार यहां पर बवाल मचा हुआ है और हर तरफ जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इससे पहले रिएक्शन सामने आया था, उन्होंने इस काम को केंद्र सरकार का सराहनीय काम बताया था कि अपराधियों और आतंकवादियों की इस देश में कोई जगह नहीं है, उन पर ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। इसी के साथ यहां पर जो कश्मीर फाइल्स के निर्देशक थे उनका भी यहां पर बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये बेहद हिम्मत वाला काम था जो केंद्र सरकार ने किया है और ये उन्होंने भी इस काम को सराहनीय काम बताया। इसी के साथ एक तगड़ा झटका पीएफआई के बैन से यहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को लगा, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान की हितेशी पार्टी को बैन कर दिया गया है और ये गलत है। यानी कि पीएफआई पर जो एक्शन हुआ है, जो 5 सालों का बैन उस पर लगाया गया है, उस पर सपा सांसद शफीकुर रहमान को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक मुस्लिम हितेशी पार्टी को यहां पर साजिश के तहत बैन किया गया है और उसे ऐसा उस पर ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो ये रिएक्शन से तमाम लोगों के हेमंत बिस्व शर्मा ने इसको सराहनीय काम बताया, योगी आदित्यनाथ ने भी इसको सराहनीय काम बताया और जो कश्मीर फाइल्स के निदेशक जो हैं उन्होंने भी यहां पर सराहनीय काम बताया, हिम्मत वाला काम बताया, लेकिन सपा सांसद ने इसे जो है मुस्लिम हितेशी पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।